सनातन धर्म में क्यों लगाते हैं तिलक? क्या आपने कभी सोचा है हिंदू धर्म के लोग माथे पर तिलक क्यों लगाते हैं? आखिर क्या है इसका महत्व? आपने कई बार लोगों के माथे पर तिलक लगाए देखा होगा, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। बता दें, सनातन धर्म में ये तिलक आदिकाल से माथे पर लगाने की प्रथा चली आ रही है। हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि बिना तिलक लगाए कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माथे के एकदम बीच में भगवान विष्णु का निवास होता है, उसी जगह पर ही तिलक भी लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहीं महिलाएं इसे माता रानी का आशीर्वाद मानकर अपने माथे पर लगाती हैं। बता दें, इस जगह को त्रिवेणी का संगम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शरीर की तीन नाड़ियाँ एक साथ मिलती है। यही जगह मन के गुरु का भी होता है, इसीलिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्थान पर तिलक लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का तेज बढ़ता है। हमारे शरीर में ऊर्जा के साथ छोटे छोटे केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है, और ये चक्र अपार शक्ति के भंडार हैं। तिलक या टीके को माथे के बीचों बीच लगाने से वहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। हमारे शरीर के सात चक्रों में से ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यहाँ पर शरीर की तीन प्रमुख नाड़ियाँ इडा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती हैं। मान्यताओं के अनुसार सूने मस्तक को शुभ नहीं माना जाता। माथे पर चंदन, रोली, कुमकुम, सिंदूर या भस्म का तिलक लगाया जाता है। तिलक हिंदू संस्कृति में एक पहचान चिन्ह का काम करता है। भारतीय संस्कृति में पूजा, अर्चना, संस्कार, संस्कार विधि, मंगल कार्य, यात्रा, गमन, शुभ कार्यों की शुरुआत में माथे पर तिलक लगाकर उसे अक्षत से पूरा किया जाता है। तिलक लगाने को लेकर स्कंद पुराण में बताया गया है कि अनामिका उंगली से तिलक लगाने पर शांति की प्राप्ति होती है, और वही मध्यमा उंगली से लगाने पर व्यक्ति की उम्र बढ़ती है। अगर कोई अंगूठे से तिलक लगाता है तो स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है, और तर्जनी उंगली से तिलक लगाने पर मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं विष्णु संहिता में भी तिलक लगाने के विधान के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म वेवर्त पुराण में बताया गया है कि अगर आप कोई भी पूजा पाठ बिना तिलक के करते हैं तो उस धार्मिक कार्य का फल आपको कभी भी नहीं मिलता है। कहा जाता है कि चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है और उस पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। चंदन का तिलक ताजगी लाता है। ऐसी भी मान्यता है कि चंदन का तिलक लगाने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। वहीं मानसिक शांति और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भी चंदन का तिलक लगाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि तिलक लगाने से व्यक्ति के स्वभाव में भी सुधार आता है। वहीं केसर का तिलक लगाने से सात्विक गुणों और सदाचार की भावना बढ़ती है। इससे बृहस्पति ग्रह का बल भी बढ़ जाता है और भाग्य वृद्धि भी होती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि तिलक लगाने के बाद माथे पर चावल क्यों लगाए जाते हैं? गौरतलब है कि पूजा के दौरान माथे पर कुमकुम का तिलक लगाते समय चावल के दाने भी जरूर लगाए जाते हैं। शास्त्रों की बात करें तो चावल को हविष्य यानी हवन में देवी देवताओं को चढ़ाने वाला शुद्ध अन्न माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार चावल का एक अन्य नाम अक्षत भी है। इसका अर्थ कभी क्षय ना होने वाला है या जिसका कभी नाश नहीं होता है। तभी तो हम हर खास मौके पर चावल जरूर बनाते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि कच्चे चावल व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही वजह है कि पूजा के दौरान केवल माथे पर तिलक लगाया जाता है, बल्कि पूजा विधि संपन्न करने के लिए भी चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर जब आप किसी को तिलक लगाए हुए देखते हैं तो आपके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर तिलक लगाने से क्या फायदा मिलता है? कहीं इसे केवल दिखावे के लिए तो नहीं लगाया जाता है? तो हम आपको बता दें कि तिलक लगाने का अपना एक वैज्ञानिक कारण भी होता है। दरअसल तिलक या टीका लगाने से आध्यात्मिक भावना के साथ साथ दूसरों के लाभ की कामना भी है। आमतौर पर लोग कुमकुम, मिट्टी, हल्दी, भस्म और अक्षत का टीका लगाते हैं। कुमकुम का तिलक लगाने से आकर्षण बढ़ाकर स्फूर्ति वाला बनाता है। केसर का तिलक लगाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। चंदन का तिलक लगाने से शीतलता मिलती है। भस्म का तिलक लगाने से अचानक आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। वहीं कुछ लोग अपने तिलक को दिखाना नहीं चाहते हैं तो वे जल से माथे पर तिलक लगाते हैं। पुरुष को हमेशा चंदन का तिलक लगाना चाहिए और स्त्री को हमेशा कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई और भी प्रश्न है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।